हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सौरभ दहिवटकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज कुछ ऐसे खतरनाक टाइम पे हम लोग मिले हैं जनाब, क्योंकि बेसिकली आज मैं चाहता था कि बीडब्ल्यू को आगे बढ़ाए यार। मैं चाहता था आज बीडब्ल्यू को आगे बढ़ाए। फटाफट से मुझे बता दो, पहली तो क्या मेरी आवाज क्लियरली आप सुन पा रहे हो? क्या मेरा वीडियो क्लियर है? क्या मेरा स्क्रीन क्लियरली आपको दिख रहा है? फटाफट से मुझे की बारी यहाँ पे बता देना यार, फटाफट से। एवरीवन बच्चों, कम ऑन, सभी लोग मुझे फटाफट से बता दो यार, क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस बच्चों, देख पा रहे हो? ग्रेट, अमेजिंग। शायद बिल्कुल, अभी आप मुझे शायद सुन पा रहे हो और क्लियरली देख भी पा रहे हो, ऐसी आशा करता हूं। बिल्कुल, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच आएगा, टेक्निकल चीजों में यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन जनाब यहाँ पे अपने कनेक्शन में यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपना कनेक्शन, अपना दिल का कनेक्शन है जनाब, है ना, अपना दिल का कनेक्शन है, वो कभी टूटेगा नहीं, वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि इस बाबा की ताकत के साथ आज हम लोग वापस मिले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बीडब्ल्यू के सेशन में, जो है सेशन नंबर 11, जो आज हम लोग को देखना है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का एक सम एंड नोडल एनालिसिस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो टू हीरो बनोगे आप, कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल जीरो टू हीरो बनोगे नोडल एनालिसिस में, ये वादा है इस बाबा का। आज रात को भी हम लोग मिलने वाले हैं 11 बजे, आज रात को भी 11 बजे हम लोग मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, मैट्राइसिस के चैप्टर में। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए आज शाम को भी इनको मिल लेते हैं, क्योंकि शाम को है ना, वैसे भी आप सब लोग फ्री रहते हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, आई नहीं हुई तो लेक्चर तो अटेंड करो, फायदा आप ही का है जनाब। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को गुजारिश करना चाहता हूं कि यार अपने इस सेशन को लाइक जरूर करना यार, फटाफट से लाइक ठोक दो। अभी भी अपने सारे फ्रेंड्स जुड़ नहीं पाए हैं तो फटाफट से ये लिंक को शेयर कर दो, ये लिंक को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो, ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी ग्रुप है सब में शेयर करो जनाब, फटाफट से अपने दोस्त लोग ज्वाइन होने चाहिए, एवरीवन। एंड उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, चमाट मार दो सीधा और बोलो सब्सक्राइब करे। हाँ जी, ये इंजीनियर की लैंग्वेज होती है, चमाट मार दो सीधा और बोलो सब्सक्राइब करे। ओके जी, चलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे आज के पहले सम के साथ, जिसका नाम है नोडल एनालिसिस, जिसका नाम पहले स्टार डेल्टा बाद में नोडल एनालिसिस। ओके, चलिए स्टार डेल्टा करवा लेते हैं पहले। हाँ जी, रेडी हो सब लोग? चलो बाबा जी बिल्कुल रेडी है। नोडल नहीं, स्टार डेल्टा। यस बच्चों, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक सम लेने जा रहा हूं मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में। यस बिल्कुल पीएसजी, वेलकम। मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में ये स्टार डेल्टा वाला जो सम्स है ना, ये अभी जो ले रहा हूं, काफी दफा ये पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें है ना बहुत लोग गड़बड़ करने ही वाले हैं, मुझे भी पता है, इसके लिए जानबूझ के ये सम लेने जा रहा हूं। ओके जी, रेडी हो सब लोग? चलो मचाते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर जो मचाएगा बवाल, ये रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, यस फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन यस बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई, बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। ओके जी, अच्छे से क्वेश्चन लिख के लेना, एक्स एंड वाई। ओके, इन द नेटवर्क शोन
इन द नेटवर्क शोन। यस बच्चों, नेटवर्क बड़े ध्यान से ड्रॉ करना क्योंकि बड़ा नेटवर्क है। ओके जी, तो चलिए नेटवर्क को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। आप भी मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करो, बिल्कुल पीछे ना रहो, कदम कदम साथ में बढ़ाएंगे। यस, अमेजिंग। तो ये नेटवर्क को एक दफा पढ़ी लेते। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सही लग रहा है, सही लग रहा है ये नेटवर्क। क्या बोल रहे हो आप भी, सही लग रहा है? हाँ जी, अभी तो रुको रुको, तो सही पूरा नहीं दिया अभी तक मैंने। मजा आएगा, मजा आएगा बिल्कुल भी, जब इस नेटवर्क को पूरा लिख दूंगा तब। और एक्स वाई पॉइंट जा दिखेगा ना, वो तो और भी मचाने वाली चीज है। हाँ जी, देखो देखो। आप बोलोगे सर लाइन एक्स्ट्रा रह गई, ना जी ना, लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, वहां पे दूसरा नेटवर्क आने वाला है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इतना जल्दी खुश नहीं होंगे हम लोग। मजा आ गया, अभी मजा आ गया, अभी मजा आ गया। ओए होए होए, काफी बड़ा नेटवर्क, काफी मजा आने वाला है। चलिए मचाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे रहेगी 8 ओम, यहाँ पे रहेगी 4 ओम, ओके 10 विल बी 12 ओम, ओके 10 विल बी 12 ओम, यस परफेक्ट। दिस विल बी 34 ओम, दिस विल बी 30 ओम, ओके यहाँ तक ठीक है। This is also 30 ohm, this is also 13 ohm, 13, this is what 17 ohm. यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल sorted चल रहा है, सबको समझ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल sorted चल रहा है जनाब, यहाँ तक ठीक है सबका? Yes, network को बड़ी बारीकी से ध्यान से observe करिए। Where is my X and Y? So this is what X, this is what Y. Are you getting my point? This point is about X, this point is about Y. So I just want to calculate the equivalent resistance between these points X and Y. So what should I do? Aye, ye kya aa gayi? Ah ji. What should I do? I have to do one thing. पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जनाब कोई सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, राइट जी? पहले मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज इन सीरीज पैरेलल, कोई चीज दिख रही है क्या मुझे। ओके जी, फटाफट से, फटाफट से मुझे बता दो कोई चीज यहाँ पे सीरीज पैरेलल में दिख रही है क्या। हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल दिख रही है, चेक तो करियो। ये है 8 ओम का रेजिस्टर, ये है 4 ओम का रेजिस्टर, इन दोनों में से एक ही करंट पास होने वाला है, मतलब 8 ओम इज सीरीज विद 4 ओम। क्या बोल रहा हूं मैं, 8 ओम इज सीरीज विद 4 ओम, ठीक है जी। यहाँ पे भी देखिए 13 एंड 7 की अगर मैं बात करूं, 13 एंड 17 की अगर मैं बात करूं, तो दे आर ऑल्सो इन सीरीज बिकॉज एक ही करंट यहाँ पे उनमें से पास होने वाला है। बिल्कुल यो, बिल्कुल यो। ओके जी, चलो चलो चलो, अब चेक करते हैं कि यार यहाँ पे 8-4 तो दिख रहा है, 12 मतलब 13 और 17 दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। यस एवरीवन, क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो 8 और 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, कैन यू प्लीज टेल मी। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गायब हो चुका हूँ, लेकिन टेंशन ना लीजिए जनाब। एक ही मिनट, मैं सिंगम जी को बुला रहा हूँ। सिंगम जी, यस सिंगम जी, फटाक से आइए, थोड़ा ये टेक्निकल ग्लिच है उसको सॉल्व करिए। बिल्कुल, तब तक के लिए यहाँ पे मुझे बता दीजिए, यस बच्चों, एट ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, राइट, आर इन सीरीज। ओके जी, यस विल जस्ट चेक डाउन। यस बच्चों, यस, एक ही मिनट। या क्या अब मैं देख पा रहा हूं, क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हो? यस बच्चों, यस मुझे बता ही दो यार। या एक ही मिनट। या नाउ इट्स विजिबल। थैंक यू सो मच जनाब। चलिए तो यार 8 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, 8 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सीरीज में तो क्या करना पड़ेगा पहले, यस बच्चों, सीरीज में है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ओके उनको ऐड करना पड़ेगा, राइट जी, ऐड करना पड़ेगा। अमेजिंग, मैं लौट आया हूँ, कम ऑन, आई एम बैक। स्वागत नहीं करोगे हमारा, चलिए स्वागत करते हैं। चलिए 8 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, तो क्या होगा, 8 प्लस 4 हो गई, मतलब ये 12 ओम की रजिस्टर होने वाली है, ये पहली वाली, राइट जी। ये 13 एंड 17 की बात करें तो 13 ओम एंड 17 ओम
आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, तो वापस से वो सीरीज में हो गए, तो 13+17 हो गए बिल्कुल 30 ओम। क्या हो गए? 30 ओम। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मतलब ये सर्किट को रीड्रॉ किया जा सकता है, ये सर्किट को वापस स्मॉल करके, छोटा करके रीड्रॉ किया जा सकता है। कैसे करे, कैसे करे, कम ऑन बताई दो मुझे कैसे किया जाए। यस बच्चों, कैसे किया जाए, हेल्प करूं? चलो ठीक है, हेल्प कर देते आप ही के लिए, सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं। चलिए 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 हेल्प कर देता हूं, ये सर्किट को रीड्रॉ कैसे किया जाएगा। आपको भी एग्जाम में भी रीड्रॉ करना पड़ेगा, तब तक मजा नहीं आने वाला है, तब तक पूरा मार्क्स नहीं मिलने वाला, याद रखिए। ओके, सर्किट को जैसे जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, उससे वैसे वैसे रीड्रॉ भी करते जाइए। ओके जी, चलो फिर, चलो यहाँ पे रीड्रॉ करेंगे। देखो वो 8 और 4 था, तो यहाँ पे उसके लिए 12 बना दिया मैंने। क्या बना दिया? 12 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दिया जो अपना ऑलरेडी अपने सर्किट में है, राइट। ये 34 तो मतलब ये तो बनना ही बनना है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ना कोई चेंजेस होने वाले है। ओके जी, यहाँ पे भी जो है वो वैसे ही रहेगा, इन दोनों का मिला के एक रजिस्टर बनेगा। ओए होए होए, ये तो मतलब बाबा जी कृपा हो गई आपकी तो बिल्कुल। हाँ जी, कृपा हो गई, क्यों कृपा हो गई बताइए, बताइए तो सही, क्यों कृपा हो गई? सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए बच्चों, तब तक मजा नहीं आने वाला है। कम ऑन, यहाँ पे रजिस्टर कितने का है? 34 ओम का है, बरोबर जी। आफ्टर दैट दिस इज 12 ओम, दिस इज 12 ओम, एंड दिस इज ऑल्सो अ 12 ओम। क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन, दिस इज 30 ओम, एम आई करेक्ट? दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, अगेन 30 ओम। बच्चों क्या है? 30 ओम है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चेक तो करो, चेक करो ना यार, 30, 30, 12, 12, सब कुछ, तीनों के तीनों 12 हो गए, और तीनों के तीनों 30 हो गए। कृपा हो गई बाबा जी, कृपा हो गई, मचा दिया आपने तो बिल्कुल। अभी देखो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं शेड करता हूँ, मैं शेड करता हूँ इन ट्रायंगल को। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल डेल्टा है। ओए होए होए, ये ट्रायंगल क्या है? डेल्टा है। तो इस डेल्टा को मुझे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार कैसे दिखता है? स्टार ऐसे दिखता है। हाँ जी, दुनिया ने पूछा ना स्टार कैसे दिखता है, तो अपना स्टार तो ऐसे दिखता है जनाब। हाँ जी, ऐसे दिखता है। देखो मैंने स्काई ब्लू कलर से जो बताया है वो है अपना स्टार, वो है अपना स्टार। तो मुझे डेल्टा टू स्टार क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके जी, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू कन्वर्ट दैट, यस, मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बाबा के ऊपर छोड़ देने का ये सब कुछ टेंशन। ओके, देखो जम्बूरे, यहाँ पे खेल होने वाला है अभी। ये है 34 वाला, ठीक है ना जी, ये है 34 वाला, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने एक स्टार बनवा दिया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक स्टार बनवा दिया, ऐसा आड़ा टेढ़ा ही बनाएंगे ताकि आप भी थोड़ा कंफर्टेबल हो सर्किट के साथ, है ना, समझेगा भी तो सही स्टार कैसा हो रहा है, मचा रहा है स्टार अपना या नहीं मचा रहा है, है ना। कोई कहेगा ना, मैं चांद तारे तेरे लिए तोड़ लाऊंगा, हाँ जी यही तारे दे देना, इसी को तो स्टार कहते हैं, उसको जाके स्टार सिखा देना, मजा आ जाएगा, है ना। एक तो फिदा हो जाएगा, नहीं तो छोड़ के जाएगा, दोनों में से कुछ तो एक होगा। फिदा हो गया तो भी अच्छी बात है, छोड़ के गया तो और भी अच्छी बात है। ओए मचा दिया बाबा जी, चलिए चलिए, है ना, चांद तारे तेरे लिए तोड़ लाऊंगा, प्यार में होता है ऐसे लोगों को, है ना जी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बाबा जी, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है यहाँ पे जनाब? चलिए चलिए, मचाएंगे हम लोग शोर यहाँ पे बिल्कुल भी। ये देखो, ये दो स्टार मैंने लगा दिए यहाँ पे, दो स्टार मैंने लगा दिए यहाँ पे, ये सर्किट को ऐसे कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ, लाइक दिस। ओए होए होए, ये सर्किट तो बड़ा खतरनाक लग रहा है बाबा जी, बिल्कुल खतरनाक लग रहा है। बता ही दो क्या किया जाए, कम ऑन सभी बच्चे बता दो मुझे क्या किया जाए। एक ही बारी यहाँ पे याद रखो कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हमें करना है। क्या करना है? डेल्टा टू स्टार यहाँ पे कन्वर्जन करना है। क्या आपको याद है डेल्टा टू स्टार मैंने कैसे बताया था आपको? हाँ जी बिल्कुल याद होना चाहिए, मैं बताऊंगा।
मैं बताऊंगा, अगर किसी ने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो आज ये बाबा जी आपको बताएगा। बिल्कुल ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। इस रजिस्टर का नाम दे देते हैं 1, इस रजिस्टर का नाम दे देते हैं 2, इस रजिस्टर का नाम दे देते हैं 3। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल के लिए बताऊंगा, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसके लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, मैं एक के लिए बताऊंगा, दूसरा ट्राइंगल जो है उसके लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर ए कैलकुलेट करना चाहता हूँ। दिस इज वॉट योर आर बी, दिस इज वॉट योर आर सी। ठीक है, व्हाट इज आर बी, आर सी? आर सी मतलब रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस बी, रेजिस्टेंस सी। या रेजिस्टेंस ए बी सी कब मिलेगा? जब वो स्टार में कन्वर्ट होगा तब मिलेगा। समझ रहे हो, स्टार में कन्वर्ट होगा तब मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनियो, बड़े ध्यान से सुनियो, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, सोल्व कैसे किया जाता है। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, कम ऑन। यहाँ पे लाइन 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 बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। स्क्रीन की होने दो या जिंदगी की होने दो, हाँ जी रफ्तार होनी चाहिए लेकिन सीधी आनी चाहिए। क्या बात है बाबा जी, बिल्कुल अच्छा बात कह दिया आपने। रफ्तार होना चाहिए लेकिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलिए ध्यान से सुनियो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आर ए आपको दिख रहा है, ये आर ए किन दोनों के बीच में दिख रहा है? इस 30 और इस 30 के बीच में दिख रहा है। Are you getting my point? इस 30 और इस 30 के बीच में दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है बाबा जी। ओके, तो मैं आर ए इज इक्वल टू क्या करूंगा, देखिए, आर वन इंटू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब क्या होने वाला है इसका मतलब? 10 30 इंटू 30 इन अपॉन 30 प्लस 30 प्लस 30। आजी आजी, ये हो गई 900, यहाँ पे हो गई 90। तो आंसर कितनी आई? 10 ओम की आंसर आ चुकी है जनाब। कितनी आ चुकी है? 10 ओम की आंसर आ चुकी है। तो अगर मेरा आर ए 10 है तो आर बी आर सी ये भी तो क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, ये भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको समझा रहा हूं। बहुत लोग को स्टार डेल्टा कॉन्वर्जन अच्छे से नहीं आता, इसके लिए इतना आराम आराम से जा रहा हूं, अदरवाइज मैं एकदम फटाफट जाता यार आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर ए कितना आ गया, 10 आ गया, ये आर बी भी 10 आ गया। ओए मैं तो खुश हो गई, मैं तो खुश हो गई बाबा जी, 10 10 10 आ गया। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे देखिए 34 ओम तो वैसे ही रहने वाला है, 34 तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 12, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 12? तो 12 के लिए भी मैं DEF नाम दे देता हूँ। ठीक है, DEF ऐसे कुछ तो अजीब है ना, DLF नहीं है, DLF IPL नहीं, DEF। ठीक है जी, तो D नाम दे देता हूँ। तो क्या होने वाला है ये 12 into 12, हाँ जी, अपॉन 12 plus 12 plus 12। ओके ओके बाबा जी, कृपा हो गई, कृपा हो गई। तो ये हो गई 144 upon 36। तो यहाँ पे आना चाहिए 4 ओम। मतलब मेरा RD का आंसर कितना आ गया? 4 ओम आ गया। RD का आंसर कितना आ गया? 4 ओम आ गया। और वही 4 ओम यहाँ पे, 4 ओम यहाँ पे, और ये 4 ओम यहाँ पे। ये X हो गई, ये Y हो गई, क्योंकि वहां पे ही मुझे मिल रहा था। देखो यहाँ पे ही X है, यहाँ पे ही Y है, तो इसी पॉइंट पे मुझे मिल रहा था मेरा इक्वालेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज थ्री। ओके, मुझे इक्वालेंट रेजिस्टेंस चाहिए इनके बीच वाला। ओके, इनके बीच वाला। अच्छा मेरे ऊपर का लिख दो, ऊपर का लिख दो, कम ऑन कम ऑन। खत्म? हाँ यस खत्म। चलिए अब एक काम करेंगे, यहाँ पे एक ही करंट किसमें से फ्लो हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये 4, ये 34 और ये 10, इसमें से एक ही करंट फ्लो हो रहा है सब में से, बरोबर एक ही करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर, दैट ऑल द रेजिस्टर विल बी इन सीरीज। क्या कह रहा हूं मैं, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस किसमें हो गए फिर? सीरीज में हो गए बाबा जी, सीरीज में हो गए। क्या कर रहे हो आप? चलो सीरीज में हो गए तो मुझे बताना है 4 34 10, इनको 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 मिला के मैं एक ही सर्किट अभी बनाने वाला हूं। चेक करो, चेक करो, चेक करो। ओहो बाबा जी कृपा हो गई। देखो देखो देखो, एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कम ऑन, यहाँ पे इनको जोड़ के मैंने एक ही रेजिस्टर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हाँ जी, एक ही रेजिस्टर यहाँ पे उन तीनों का मिलके बना दिया।
ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा था, ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टर हवा में जा रहा है, और यहाँ पे भी एक ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर ऐसा ही हवा में जा रहा है, ओके जी, एंड यहाँ से एक ही रेजिस्टर ऐसा निकला निकला, अच्छा निकला, ओ ऐसे गया, और ये ऐसे नीचे से गया, और ये ऐसे यहाँ से गया, ठीक है जी, यहाँ तक तो सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है जनाब, बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है, राइट, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ चुका है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इस रेजिस्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो किन तीनों के सीरीज के वजह से वो रेजिस्टर बना है, किन तीनों के वजह से, 34 प्लस 4 प्लस 10, इनके वजह से, दैट इज नथिंग बट 34 प्लस 4 38 एंड 10 48 ओम का रेजिस्टर यहां पे होना चाहिए। दिस कुड बी 10 ओम, दिस कुड बी 10 ओम, दिस कुड बी 4 ओम, दिस कुड बी 4 ओम। अभी मुझे बताइए x और y के बीच में का मुझे रेजिस्टर चाहिए, तो ये दोनों रेजिस्टर कहां पे चले गए, हवा में चले गए ना, तो हवा में जाते हैं तो वहां पे कोई करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता जी। और दूसरा क्या है, ये एक क्लोज्ड सर्किट है, यहां से यहां तक है ना, ये एक क्लोज्ड सर्किट है, तो ये 4 ओम एंड 10 ओम का क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जब मैं बात करूंगा 4 ओम एंड 10 ओम की, तो मेरा रजिस्टर वाला सर्किट डायग्राम इस तरीके से कुछ नजर आएगा मुझे, चेक करो, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहां पे होने वाला है 10 ओम, यहां पे होने वाला है 4 ओम, एंड दिस इज व्हाट, 48 ओम। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन बच्चों? यस यस यस, एनी डाउट, एनी, हाँ, दूसरी एक बात और है, दूसरी एक बात और है, और है एक बात, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो डायरेक्टली इनको हम लोग हटा नहीं सकते, ये जो भी मैंने किया है ना, ये तो ठीक है, सॉर्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और लिखना बनता है, 48 इज पैरेलल विद दिस 4 एंड दिस 10, क्योंकि यहां से जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो करंट अगर स्प्लिट हो रहा है तो वो दो रजिस्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, कम ऑन मेरे साथ, क्या होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। तो 48 इज पैरेलल विद 14, क्यों 14, बिकॉज जनाब 10 और वो 4 दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, तो दे आर इन सीरीज, देखो नीचे से देखो, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, उसमें उसके बीच में कुछ भी नहीं है, 10 यहां से आया, 4 यहां से आया और जुड़ गया, है ना, 10 यहां से आया, 4 यहां से आया और जुड़ गया, और जैसे ही जुड़ जाते हैं मतलब दे आर इन अ सेम सर्किट विच कैरीज अ सेम करंट, सेम करंट है मतलब दे आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, परफेक्ट, दे आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 48 इज पैरेलल विद 14, कैसे किया जाएगा, 48 इंटू 14 अपॉन 48 प्लस 14, यस बच्चों, चेक करो कैलसी में कितना आ रहा है, फटाक से बताओ कैलसी में ये चीज कितनी आ रही है, कम ऑन बच्चों, एवरीवन एवरीवन, यस यस यस, आई थिंक यू विल गेट 10.84 ओम, 10.84 ओम, इसका मतलब ये हो गया 10.84। अजी अब ये सारे तीनों के तीनों रजिस्टर्स जो है वो किसमें है, सीरीज में है, वो किसमें है, सीरीज में है, ठीक है जी, सीरीज में, तो क्या हो गया, देयरफोर ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, देयरफोर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यस बच्चों, रेजिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज, यस बच्चों, क्या होने वाला है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 10.84 प्लस 10, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, कम ऑन, 24.84 ओम। दिस इज व्हाट आर इक्विवेलेंट, मतलब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट। बड़े अच्छे से पूरा सम को देखिए, जितना लग रहा है उतना आसान ये बिल्कुल है नहीं, है नहीं मतलब क्या, मैं वापस कहूंगा सेशन खत्म होने के बाद इसको रिवाइंड करके वापस देखिए, वापस देखिए, क्यों देखना है वापस, बिकॉज जब तक ये दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो जाता तब तक मजा नहीं आने वाला है, तब तक मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए चलिए, तो मैं जा रहा हूं आगे, आगे मतलब जनाब यहाँ पे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आगे का पार्ट है मेरा
नोडल एनालिसिस जिसका बेसब्री से इंतजार है सबको, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ पे कह रहे थे सर नया 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 कुछ सिखाओ, नया कुछ सिखाओ। तो चलिए आज कुछ नया लेके आए हम आपके लिए। अजी हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं जिसका नाम है नोडल एनालिसिस। अभी भी अपने फ्रेंड्स लोग ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से कॉल करके बोल दीजिए कि तुझे अगर नोडल सीखना है, बिल्कुल जीरो टू हीरो, कम ऑन जीरो टू हीरो सीखना है तो तुझे यहाँ पे आना है, तुझे यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नोडल एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है। यस बच्चों क्या करेंगे, क्या करेंगे नोडल एनालिसिस। यार नोड मतलब क्या होती है, जहां से ब्रांचेस निकलते हैं उसे नोड कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जहां से ब्रांचेस, जिस पॉइंट से, अभी देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से एक ब्रांच निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकले तो वो पर्टिकुलर पॉइंट को, ब्रांचेस को नहीं, पॉइंट को कहा जाता है नोड, जंक्शन पॉइंट उसे कहते हैं नोड। है ना, ट्रेन का कैसा जंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर स्टेशन होता है जहां से दो रूट जाते हैं, तो वहां उस पॉइंट को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और उसी का एनालिसिस आज हमें करना है। सर्किट डायग्राम देने वाला हूं, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला बिल्कुल हूं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यार बाप बोल के गया है, कौन है बाप, वी इज इक्वल टू आई आर, ये बाप ने कहा है अपने, राइट। तो आई का मतलब क्या हो गया, वी बाय आर हो गया। आई का मतलब क्या हो गया, वी अपॉन आर हो गया। ठीक है, यहां तक भी सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं अभी बताने वाला हूं इसकी करामत, करामत मतलब इसकी जादू है ना। वी को मैं लिख सकता हूं वी टू माइनस वी वन, क्योंकि वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डिफरेंस है मतलब वी टू माइनस वी वन होना चाहिए, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। V2 is nothing but final, V1 is nothing but initial. Okay जी, तो final minus initial यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा. Okay, चलिए पहला सवाल ले लेता हूं यहाँ पे, जो मचाएगा बवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा by nodal analysis, they will clearly mention you in the exam, don't worry. By nodal analysis. Yes, by nodal analysis, determine the voltages yes, at nodes, yes बच्चों, सभी बच्चे, at nodes A and B in the circuit. Yes, ठीक है, सर्किट क्या है बड़े ध्यान से इसको भी ड्रॉ कर लेना। सर्किट बड़े ध्यान से इसको ड्रॉ कर लो। अच्छा जी ये क्या हो गई, अच्छा इसको डिलीट करना पड़ेगा ना जी। हाँ 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 अच्छा, नए पेज पे ड्रॉ करूं, नए पेज पे ड्रॉ करता हूं। चलो ये तो खराब हो रही है, नए पेज पे ड्रॉ करते, क्या क्या फर्क पड़ रहा है यार, डिजिटली ग्रो हो रहे हम लोग, है ना। नया पेज वेज ले लो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे पेजेस है अपने पास, है ना, डिजिटली बहुत सारे पेजेस है। आप अभी नोटबुक में लिख रहे हो तो कट मत करवाइए, मैंने डायग्राम बिल्कुल सही निकाली थी, सिर्फ थोड़ी साइज छोटी हो गई थी, इसके लिए मैं उसको बड़ा करने गया, बट वो हुआ नहीं। Don't worry, no worries, we have. Okay, this is what 4 ampere, this is what 2 ampere, this is what 4 ohm and 2 ohm, this is what 2 ohm and 4 ohm. ठीक है जी, इतना सब कुछ उन्होंने दे दिया है, इतना सब कुछ उन्होंने दे दिया है और दो नोड्स के बारे में जिक्र वहां पे किया है। चलिए यही सम लेंगे सिर्फ आज, बस प्लीज कॉन्सेंट्रेट। दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी। देखो दो ही नोड है यहाँ पे, ए एंड बी, क्योंकि वहां से ही रजिस्टर लगा है, करंट सोर्स लगा है, करंट आ रहा है जा रहा है, ये सब मुझे वो पर्टिकुलर नोड से पता चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
अब नोडल एनालिसिस इज द ओनली एनालिसिस, बड़े ध्यान से सुनना, नोडल एनालिसिस ये एक ऐसा एनालिसिस है सिर्फ जिसमें अपन KCL यूज करते हैं, नॉट KVL. क्या बोल रहा हूं मैं, जिसमें सिर्फ KCL यूज करते हैं, नॉट KVL. KVL हम लोग यूज नहीं करते इसमें, इसमें सब कुछ KCL से ही होता है. आर यू वेटिंग माई पॉइंट? चलिए बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोडल एनालिसिस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन योर स्क्रीन नाउ. देखिए अप्लाइंग यहां पे करवा रहा हूं, अप्लाइंग. अच्छा यहां पे करवा देते, चलो अप्लाइंग KCL टू नोड ए, टू नोड ए. ठीक है, ए नोड पे KCL अप्लाई करवा दिया मैंने. ठीक है, KCL अप्लाई करवा दिया. अब देखिए KCL अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होने वाला है. यस बच्चों क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर उस नोड की तरफ करंट आ रहा है, अगर उस नोड की तरफ करंट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेने का, उसको पॉजिटिव लेने का. अगर वो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, वो करंट मतलब वो नोड को वो छोड़ के जा रहा है ना, छोड़ के जा रहा है, तो इट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव. कम ऑन यार, एक एक कॉलेज कॉलेज का किस्सा बताता हूं मैं, है ना. एक लड़का है, उस लड़के के पास लड़की अगर आ रही है, खुद से आ रही है चल के कि यार तू तो बड़ा हैंडसम मुंडा है, हाँ जी, तो वो लड़का क्या बोलेगा, मैं तो पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आज, मजा आ गया. लेकिन वही लड़की और लड़के का अगर ब्रेकअप हो जाता है और वो लड़की उस लड़के को छोड़ के जाती है, तो वो लड़का खुद ही नेगेटिव फील करता है. बिल्कुल, मतलब अगर नोड के पास आ रहा है तो पॉजिटिव, नोड को छोड़ के जा रहा है तो नेगेटिव. बिल्कुल बाबा जी कृपा रखिए, यहां तक तो समझ गई, यहां तक तो समझ गए हम. तो बाबा जी नोड ए की तरफ कितने ब्रांचेस है वो पहले देखो, कितने ब्रांचेस है. ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, और यहाँ पे ये तीसरी ब्रांच हो गई, मतलब तीन ब्रांचेस है. कितने है, तीन ब्रांचेस है. ठीक है, नो वरीज नो वरीज, तीन ब्रांचेस है. मतलब इक्वेशन में तीन टर्म्स आने चाहिए. कितने आने चाहिए, तीन टर्म्स आने चाहिए. बड़ा ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट टू से भी फ्लो होगा, वही करंट टू से भी फ्लो होगा. इसका मतलब क्या, वो टू ओम रजिस्टर विल गेट रिडंडेंट. क्या हो जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, निकाला जाएगा. समझ रहे हो, वो निकाला जाएगा. अगर वो निकाला जाता है तो यहां पे देखिए 2 एम्पियर की यहां पे करंट सोर्स लगा दी है. आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर. देखिए इस पर्टिकुलर ब्रांच में, अभी ये ब्रांच तो खत्म हो गई ना, तो इसके बारे में सोचो ही मत. इस पर्टिकुलर ब्रांच में, इस ब्रांच में मुझे बताइए कहीं आपको, कहीं भी आपको वोल्टेज सोर्स नजर आ रहा है क्या, बैटरी लगी पड़ी है क्या वहां पे, नहीं लगी पड़ी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वी ए पकड़ूंगा मैं, बिकॉज ए पॉइंट ए नोड पे कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर रहेगा, ए नोड पे कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर रहने वाला है. कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए ये तो चली गई, 4 ओम जो है वी ए बाय आर हो गया, है ना. आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है ना, तो यहाँ पे वी बाय आर हो गया. उससे रिलेटेड आर कितना है, 4 है. उस रिलेटेड आर कितना है, 4 है. अभी सेकेंड ब्रांच देखिए ये वाली, इसमें भी रेजिस्टेंस 4 है लेकिन दो दो वोल्टेज है, एक ए वोल्टेज यहाँ पे रहेगा और एक बी वोल्टेज यहाँ पे रहेगा. अभी देखो दो वोल्टेज के बीच में एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो क्या होगी, ऑब्वियसली उसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो क्या होगी, डिफरेंस होगी. क्या होगी, डिफरेंस होगी जनाब, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे आने वाला है. तो प्लस वी ए माइनस वी बी अपॉन 4 हो गया. क्या हो गया, 4 हो गया. एनी डाउट एनी कंफ्यूजन बच्चों, यस यस यस, एवरीवन एवरीवन मुझे बता सकते हो यार. देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनी, 8 इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ए माइनस 2 वी बी. देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2 वी ए माइनस 2 वी बी. देयरफॉर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 4. यस बच्चों, दिस इज व्हाट योर
लेटेस्ट इक्वेशन जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ये किसके लिए हुआ? नोड ए के लिए हुआ। अभी मैं सेम अप्लाई KCL टू नोड बी, अप्लाई KCL टू नोड बी, ठीक है जी। चलो अप्लाई KCL, यस KCL टू नोड बी, नोड बी, ओके नोड बी के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे। चलो कितने ब्रांचेस है बी की तरफ, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ठीक है जी। तो 4 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, आ रहा है बी के एक ब्रांच में। 2 ओम की रेजिस्टर है, कितनी ओम की, 2 ओम की रेजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगी, वी बी अपॉन 2 आएगी। प्लस जो सेकेंड ब्रांच आपको दिख रही है वहां पे वी बी माइनस वी ए होगा, क्योंकि अभी मैं वी बी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो वी बी माइनस वी ए अपॉन 4 हो गई, 4 हो गई, राइट है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 विच इज इक्वल टू 2 वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए अपॉन 6। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? हाँ 6 हो गई ना जी, ना बिल्कुल। इनका क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए, तो एलसीएम मैंने करवा तो दिया लेकिन डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, वी ए मतलब माइनस ऑफ वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। सो वी गॉट टू इक्वेशंस बच्चों, वी गॉट टू इक्वेशंस। आप इसे एड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो चाहिए वो आप करवा सकते हो। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे रह गई शायद मेरे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी बी प्लस वी बी दैट विल गिव यू 3 वी बी, वही मैं सोचू, दिस इज वॉट 3 वी बी। हाँ जी, तो अभी ऐड करवा दो, तो वी ए वी ए विल गेट कैंसल्ड आउट एंड ये सब आपको मिल जाएगा फलाना फलाना, और यहाँ पे मुझे वी बी की वैल्यू मिलेगी। यस बच्चों, कितनी है वी बी की वैल्यू, यस बताई दो हमें वी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, कमॉन कमॉन। 2 VB is equal to 20 ना, तो VB is equal to कितना आया, come on everyone, VB is equal to कितना आया बच्चों, yes बता दो, VB is equal to, सभी बच्चे फटाक से बता दीजिए कितना आ रहा है, VA कितना है, VB कितना है, बोलिए फटाक से, बोलिए बाबा जी फटाक से बोलिए, come on। अच्छा, ये 2 VA, बिल्कुल, चलिए बोलिए फटाफट से, वीबी कितना आ रहा है, वीबी कितना आ रहा है, चलो कदम बढ़ाएगा। हाँ, यहाँ पे 2 VA होना चाहिए। अरे ये इक्वेशन गलत है क्या अपना, हाँ जी ये इक्वेशन गलत है, आपने किसी ने नहीं बोला मुझसे यार, ये इक्वेशन गलत है अपना, आपने किसी ने नहीं बोला मुझे यार, ऐसे ही हाँ से हाँ मत मिला लीजिए, ऐसे ही हाँ से हाँ मत मिला लीजिए। दिस विल बी 2 VA माइनस वी बी इज इक्वल टू 8। नाउ वी हैव टू डू द साइमल्टेनियसली सॉल्विंग। इससे बेहतर है कि एलसी में डालिए, इक्वेशन में जाइए, इक्वेशन में मतलब मोड में जाके 5 नंबर का बटन दबाइए, EQN का, उस EQN में सेकेंड नंबर का जो इक्वेशन है उसे दबाइए, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा जो 2x2 का रहेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 2 रोज रहेंगे, वो दोनों रोज में ये सारे वेरिएबल को पुट करिए। पहला वेरिएबल 2 है, फिर -1 है, फिर 8 है, 2 -1 8, ये पहली रो होनी चाहिए 2 -1 8, दूसरी रो होनी चाहिए -1 3 16। ओके अब बताइए कितना आ रहा है, अब मेरे ख्याल से सही आएगा, दैट इज 8 वोल्ट, एंड बी ए बी आएगा 8 वोल्ट। Amazing, this is what all about nodal analysis बच्चों। आपको एक ही चीज यूज करनी है, KCL। क्या यूज करना है, KCL यूज करना है। KCL मतलब I is equal to V by R। I के लिए क्या रहेगा, करंट आ रहा है तो पॉजिटिव, छोड़ के जा रहा है तो सीधा नेगेटिव। V के लिए क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक ही ब्रांच में दो दो वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। अगर नहीं है कोई भी तो डायरेक्टली वो वी ए अपॉन कर देने का, जो पर्टिकुलर रजिस्टर रहेगा वो। एनी कंफ्यूजन? यस, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट नोडल एनालिसिस। इसके ऊपर और 2 सम्स लूंगा लेकिन वो रहेंगे कल के सेशन में। आर यू वेटिंग माई पॉइंट? तो कल BEE का सेशन होने वाला है, कितने बजे होगा ये मैं आज रात को 11 बजे के सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो आज रात को 11 बजे मचाएंगे शोर चारों ओर,
11 PM को मैट्रिक्स के साथ मैट्राइसिस के साथ मिलने वाले हैं। टॉपिक कितना भी आसान रहे, मैट्राइसिस इस बाबा के साथ आपको कंप्लीट करना है, तब जाके मजा आएगा। ओके, तो मैट्राइसिस के लिए आज रात को हम लोग को मिलना है। लेकिन जाने से पहले सभी को गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, आपको फटाफट से लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करने बोलना है उनको कि जनाब सब्सक्राइब करिए, फायदा तेरा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री में चलता है। किसमें चलता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है जनाब। एंड जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फट जाके दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने उन दोनों ग्रुप में एक पीडीएफ डाली है जो मैथ्स के टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, मैंने अवेलेबल करवाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक है, इंजीनियरिंग मैथ्स का, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाक से दोनों ग्रुप ज्वाइन कर देना। ओके जी, तो मिलते हैं रात को 11 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।